नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बिल्कुल ही अनप्लान्ड वीडियो है ये, और ये मैं सिर्फ इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब ये सारी बातें आपसे करनी चाहिए और कहनी चाहिए। आपके उन सभी सवालों का जवाब अब देने का वक्त आ गया है। शायद वक्त बहुत पहले आ गया था और मैं देर कर रही हूँ, पर चलिए जब आए तभी सही। तो उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल ही बिना किसी स्क्रिप्ट के आज कैमरा ऑन करके बैठ गई हूँ। तो मेरे चैनल पर मेरे ख्याल से ये दूसरा ऐसा वीडियो है जो एकदम अनप्लान्ड और अनस्क्रिप्टेड है। पहला मैंने अर्चना दीदी के साथ किया था। इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी ये आप वीडियो में आगे जानते जाएंगे। थंबनेल में आपने देखा होगा बहुत सारे सवाल मैंने लिखे हैं जो आप मुझसे अक्सर पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पर, डीएम में, बहुत सारे लोग मुझे मेल्स भी करते हैं। अच्छा लगता है कि आप लोग चैनल के बारे में इतना जानना चाहते हैं और आपको हमेशा और जल्दी जल्दी वीडियोस चाहिए। तो आज इस वीडियो में जो शायद 10 से 12 मिनट का करने की मैं कोशिश करूँगी, और मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इसको एडिट कर पाऊँ, इसलिए एक टेक में ही बोलूँगी। केवल की तबीयत ठीक नहीं है और वो अभी सो रही है, तो जो भी थोड़ा सा वक्त मिला है उसमें ही मुझे अपनी बात पूरी करनी है। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि कौन कौन से सवाल जिसके आज मैं जवाब देने वाली हूँ। पहला सवाल कि मैम आपके वीडियोस नहीं आते, बहुत देर से आते हैं, जल्दी नहीं आते हैं। और दूसरा सवाल कि मैम बुक ट्यूबर के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, अगर मैं बुक ट्यूबर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो कैसे बन सकता हूँ। एक और सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि मसाला चाय जो है कि क्या अर्न कर रहा है, या आपने ये चैनल शुरू किया तो अब आपकी जो है कि आप इतना ग्रो करके, आपकी छोटी सी अलमीरा थी, कुछ 10 15 20 किताबें थी और अब इतनी किताबें हो गई हैं, तो आप कितना अर्न कर रही हैं, इसका जवाब दूंगी। इसके अलावा आप मुझसे पूछते हैं कि आपके पास इतनी किताबें आ जाती, कहाँ से आ जाती इतनी किताबें, इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा सवाल है। तो इसका जवाब भी दूंगी और इन्हीं जवाबों से निकलेंगी कुछ ऐसी बातें जो मेरे जीवन से, मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें मुझे बहुत पहले ही शायद शेयर करना चाहिए था आपसे, पर वो अपनी आदत है ना कि लाइफ में जितने भी छोटे मोटे स्ट्रगल्स हों वो दिखने नहीं चाहिए। एक आरजे वाली आदत है ये जो अभी तक बनी हुई है, जाने रही है, पर अब मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए और शायद मैं ये बता लूँगी, खुद को हल्का कर दूंगी, तब शायद मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो सकूंगी आने वाले वीडियोस के लिए। और सबसे पहले पहले सवाल का जवाब देती हूँ, आपकी वीडियोस इतनी देर से क्यों आते हैं, आप बहुत इंतज़ार कराते हैं, आप थोड़ा जल्दी वीडियो डाल दिया कीजिए। तो मैं इसके जवाब में एक लाइन में सबसे पहले कहना चाहूँगी वो ये कि मैं कोई और काम नहीं करती, एज अ प्रोफेशन मैं कुछ और नहीं करती, मैं बस यही करती हूँ जो आप देखते हैं, और फिर भी इतना देर लग जाता है वीडियो आने में, इतनी देर लग जाती है क्यों। पहली बात तो बुक ट्यूबिंग, वो भी हिंदी, जब मैं हिंदी किताबों की बात कर रही हूँ, हिंदी साहित्य की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, हाँ वाकई बहुत कम लोग जानते हैं, अभी भी संख्या कम है, तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होते और ये एक बहुत बड़ा काम है, एक व्यक्ति का काम नहीं है ये। तो जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वक्त इसमें लगता है, किताबें पढ़ने में, उन्हें चुनने में, उन पर वीडियो बनाने में। मैं पिछले 3 से 4 महीनों से कंटिन्यू वीडियोस डाल रही हूँ हर हफ्ते बिना किसी रुकावट के, फिर भी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे। तो शायद ये हो सकता है कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं दे रहा, या फिर शायद आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है और उस वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, ये एक चेक करने वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ आती है कि पहले जैसी चीज़ें नहीं दिखती हैं, उसका सिर्फ एक ही जवाब है। शुरू करते हैं कि वीडियो बनाना कैसा प्रोसेस है किताबों के बारे में। तो पहले मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं एक ऐसा जीवन जी रही थी जिसमें किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी। वो एक ऐसी ज़िंदगी थी जब मैं सुबह उठती थी, और 1 मिनट अगर आपको ये लग रहा है कि एक बहुत लंबी बातचीत होने वाली है और इसमें किताबों की बात नहीं हो रही है इसलिए हम नहीं सुनेंगे, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं वीडियो, लेकिन अगर आप वाकई मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों मैं कैसा
मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो पूरा देखें। और हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि आप उस वीडियो से कुछ सीख कर ही निकले, कुछ ग्रहण करके जाए, यहाँ भी वो कोशिश रहेगी। तो शादी से पहले एक ऐसी लड़की थी जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैं सुबह उठती थी, मेरा एक ही काम होता था, चाय पीना है। मैं चाय पीने जाती थी, वापस आकर मैं किताब खोल कर बैठ जाती थी, किताबें पढ़ते पढ़ते दोपहर हो जाती थी, फिर लगता था खाने का टाइम हो गया है। मम्मी मम्मी से पूछती थी क्या बनाया है, ये बना है, चलो खाना खा लिया, अब थोड़ा सो लेते हैं, शाम होती थी चलो चाय बना लेते हैं, बहुत बहुत थोड़ी बहुत सब्जियां काट दी, फिर रात का खाना खा लिया, फिर पढ़ाई कर ली, मोबाइल स्क्रॉल कर लिया, सो गए, अगले दिन क्या करना है कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और मम्मी पापा ने भी बड़ा फ्री रखा था, ठीक है तुम कर लो अपनी मर्जी का। लेकिन तब नहीं जानते थे कि ये बहुत अच्छा लेसन बनने वाला है। तो शादी हुई और एकदम से लॉकडाउन लग गया, किताबें मेरी मेरे घर छूट गई, मैं ग्वालियर किताबें बनारस कुछ वक्त तो जूझती रही। और फिर जब एकदम से जिम्मेदारी आई तो मैं समझ नहीं पाई कि इसको हैंडल कैसे करूं। घर है मेरे पास, अब एक अपनी गृहस्थी बन रही है, मेरे हस्बैंड है, किताबें पढ़नी है, किचन है, कैसे हैंडल करूं। कुछ समय तक तो आराम से हैंडल हुआ क्योंकि किताबें ही नहीं थी पढ़ने के लिए और मैं मंगवा भी नहीं सकती थी। मैं अभी यही सीख रही थी तब तक हमारी छोटी सी बिटिया ने आने की सूचना दे दी। केवल ले आई, एकदम ही नया एक्सपीरियंस, एकदम ही नया अनुभव। और अभी मैं सोच ही रही थी, सीख ही रही थी मम्मी पापा से कि कैसे पालना है, कैसे संभालना है, कि मम्मी पापा ही चले गए। उनके जाने के बाद और केवल के आने के बाद चीज़ें ऐसी थी, ऐसे हो गई। अब वो बेफिक्र लड़की जो मैं थी उसका 1% भी शायद ही मेरे अंदर बचा रहा हो। अब मेरे पास मेरी बिटिया थी, मेरे मम्मी पापा का छोड़ा हुआ घर, मेरे पास उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि हम दो बहनें ही हैं और हमें ही चीज़ें देखनी होती है, मेरा अपना एक छोटा सा घर गृहस्थी जो मैं धीरे धीरे बना रही हूँ। और इन सब चीज़ों को हैंडल करते हुए मैं मेंटली बहुत स्ट्रगल कर रही थी, मानसिक तौर पर बहुत ये एक संघर्ष था कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँ। मैं 10-10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2-2 मिनट बचाने के लिए जुगत बढ़ाती रहती थी। मैंने टाइम मैनेजमेंट का फिर कोर्स किया इन दिनों, मैंने सोचा कैसे थोड़ा थोड़ा सा वक्त बचा लूँ, पढ़ाई कर लूँ। बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, कुछ हद तक मिली। मैं रात में 2 बजे से पढ़ने बैठ जाती, सुबह तक पढ़ती रहती, सुबह कुछ नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मुझे ही देखनी थी, यतींद्र का पूरा सहयोग रहता है। फिर भी एक घर, एक बच्चा संभालना जितना लगता है उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अब जो मेहनत मैं करती हूँ अपने वीडियोस के लिए, वो मैं शादी से पहले जो मेहनत करती थी उसका 10 गुना ज़्यादा करती हूँ। लेकिन शायद वो रिजल्ट देने में अभी भी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि एक तो आप सबकी उम्मीदें बढ़ी हैं, काम भी बढ़ा है, और मैं अपना पूरा टाइम नहीं दे पाती। अब मैं आधी रह गई हूँ, आधी मैं अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए हो गई हूँ। ये एक रीज़न हो सकता है कि आपको वो चीज़ें नहीं दिखती होंगी जो पहले दिखती थी, लेकिन आपको वो चीज़ें ज़रूर दिखती होंगी जो पहले नहीं दिखती थी। मैंने अपनी कैमरा क्वालिटी सुधारने की कोशिश की है, आवाज़ कोशिश की है सुधारने की, मैंने अपना बैकग्राउंड अच्छा किया है जैसा आप सब चाहते थे। बैकग्राउंड देखकर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, इतनी सारी किताबें आती कहाँ से, पैसा कहाँ से आता है। सबसे पहली बात कि शादी से पहले मैंने कुछ किताबें इकट्ठी की थी, कुछ लोगों ने मुझे समीक्षा के लिए भेजी थी उपहार स्वरूप, और यतीन्द्र के पास उससे कई गुना ज़्यादा किताबें थी। तो जब हम मिले तो हमारे किताबें भी मिल गई, और इतनी सारी किताबें, तो किताबें यहाँ से आई। शादी के पहले जो पहली आउटिंग हमने की थी वो वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेले की आउटिंग थी, और पहले प्यार के नशे में हमने खूब सारे किताबें खरीदी थी। तो वो किताबें उसी खूबसूरत से रिश्ते की जो शुरुआत हुई उसका ये परिणाम आप देख पाते हैं। जैसे जैसे चैनल ग्रो करने लगा लोग बहुत सारे किताबें भेज रहे हैं, बहुत किताबें आती हैं मेरे पास, कुछ अच्छी होती हैं कुछ नहीं होती हैं। मैं उन्हीं का रिव्यू करती हूँ जो अच्छी होती हैं, क्योंकि जो अच्छी नहीं लगती मुझे, या मुझे नहीं लगता कि मेरे चैनल
पर वो आ सकती हैं, आप उसके बारे में आपको जानना चाहिए, तो मैं उस पर वक्त नहीं देती हूँ क्योंकि मेरा एक एक मिनट बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। हो सकता है ये वीडियो बीच में छोड़ के मुझे जाना पड़े अगर मेरी बिटिया उठ जाए तो लाइफ अब इतनी अनसर्टेन है। तो मैं कह रही थी कि ये किताबें वहाँ से इकट्ठी हुई और आज जितनी तेज़ी से मेरे पास किताबें आना शुरू हुई उसकी दुगनी तेज़ी से मेरे पास का वक्त ऑक्यूपाई होने लगा दूसरी चीज़ में, घर में, बिटिया में, अपने माँ के वाले घर में, हर चीज़ में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। लाइफ इतनी अनसर्टेन कभी नहीं थी जितनी ये अब है। मैं आज एक काम कर रही होती हूँ बैठकर और अगले मिनट मुझे पता चलता है कि केवल की तबीयत नहीं ठीक है, और फिर मेरा 2 हफ्ता मुझे नहीं पता मैंने क्या खाया क्या पिया, सोई या नहीं सोई, उसमें चला जाता है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं एक महत्वाकांक्षी माँ भी हूँ और मुझे बुरा लगता है कि मेरा काम रुक रहा है। ठीक है, इट्स लाइफ। और शायद बहुत सारे लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपने अनुभव से सीखना पसंद करती है और वो अपने ही अनुभव से सीखती है। इस बीच मैंने बहुत सारी चीज़ें ये भी सीखी कि अगर आप बुक ट्यूबिंग, आपका एक और सवाल आता है कि मैं बुक ट्यूब स्टार्ट करना चाहता हूँ, किताबों का रिव्यू तो कैसे करूँ, आपने कैसे किया, तो वो अब उस सवाल के जवाब पर आते हैं क्योंकि मेरी अब जो मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें आपको इसका ही जवाब मिलेगा। जब आप इस क्षेत्र में प्रवेश करते हो, लिखने पढ़ने वाले लोगों से जुड़ते हो, वो साहित्य से जुड़ते हो, तो वहाँ की अपनी परेशानियों से आप दो चार होते हो। जैसे आप अगर बुक ट्यूब स्टार्ट करते हो, आपको एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है, आपको किताबें चाहिए, आपको पहले भरोसा जीतना होता है, आपको पहले अच्छा कंटेंट देना होता है, उसके बाद लोग आपके पास किताबें भिजवाते हैं। अब आप समीक्षा करते हो तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जिसकी किताब आपने ली उसके बारे में आप कैसे समीक्षा कर रहे हो। कई बार वो लोग सवाल उठा देते हैं कि नहीं ये नहीं बोलना है, आपने ये कैसे बोल दिया, वहाँ डील करना होता है। दूसरी चीज़, किताबें हर विषय पर लिखी गई और इतनी ज़्यादा हैं कि आप अब कभी भी अकेले इंसान के तौर पर काफ़ी नहीं हो सकते उन्हें पढ़ने के लिए। तो आपको खूब किताबें आएंगी लेकिन आप वो डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे। ये सारे बुक ट्यूबर्स कहते हैं और ये मैं 4 सालों के अनुभव में सीख चुकी हूँ कि ये बिल्कुल सत्य है। आपके पास बहुत किताबें आएंगी और कभी आपके पास उतना समय नहीं होगा क्योंकि किताबें पढ़ना एक धीमी प्रक्रिया होती है। ये मूवी देखने की जैसी नहीं होती कि आप 2 या 2.5 घंटे में ख़त्म कर लो, आपको वक्त लगता है, आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन देना होता है, आपको उसको समझना होता है, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप बुक ट्यूबिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बैकअप तैयार कीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ का बैकअप तैयार कीजिए, खूब किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, खुद पढ़िए, पूरी किताब पढ़िए, कम से कम 12-18 वीडियो शूट करके रख लीजिए और तब डालना शुरू कीजिए। बहुत मदद मिलेगी, जो चीज़ मैंने नहीं की और जो अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मुझे इसी तरह शुरू करना चाहिए था। दूसरी चीज़, जब आप इस क्षेत्र में एंट्री करते हो, प्रवेश करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे ग्रुपिंग्स हैं, लोग चाहते हैं आप उनके समूह का हिस्सा बने, आप उनकी तारीफ़ें करें, आप उनके पक्ष में बोले, आप नहीं बोलते हो तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। आप अगर इस तरह के इंसान हो जैसे कि मैं हूँ कि मैं ग्रुप का ऐसा नहीं बन पाती, समूह में नहीं जुड़ पाती, मैं मुझे लगता है लगभग 1 साल हो गया मैं फेसबुक से हट गई हूँ क्योंकि वहाँ मेरा बहुत समय जा रहा था, बहुत सारा वक्त खर्च हो जा रहा था और ये रिस्क लेने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, तो मैं वहाँ से हट गई। आपको सोशली कनेक्ट होना पड़ता है लोगों से, ये ज़रूरत होती है इस अगर आप डिजिटल आ रहे हो किताबों को लेकर के। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप किस तरह के इंसान हैं और किस तरह से आपके काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या आप सोशल मीडिया पे उनसे कनेक्ट रहोगे, क्या आप अपने काम से काम रखते हो। अगर आप मेरी तरह हो तो आपको मुश्किलें आएंगी, आपको ग्रुप्स में शामिल होने में मुश्किलें आएंगी, झूठी तारीफ़ें करने में मुश्किलें आएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि किताबें इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, आप खुद बहुत ज़्यादा चाहते हो कि मुझे किताब पढ़नी है लेकिन फिर भी उस किताब का वक्त 1 साल बाद आएगा क्योंकि हमारे घर पास अपने भी खुद के कुछ काम होते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन उतनी देर में वो व्यक्ति आपसे नाराज़ होकर बैठ जाएगा कि आपने तो मेरी किताब ही नहीं पढ़ी, उसको तवज्जो ही नहीं दी। आप समझा भी नहीं पाएंगे कि उस किताब को पढ़ने का मेरा कितना मन था, मैंने उसको ढूंढा, वो मुझे नहीं मिली, या वो मुझे मिल गई पर वक्त नहीं मिला, पर वो वहाँ से जज करके बैठ जाएंगे। तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोगों को आपसे तब तक दिक्कत नहीं होगी जब तक आप बहुत साधारण तरीके से काम कर रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप
आगे बढ़ने लगोगे, उन सबको आपसे दिक्कत होगी, जिनको लगेगा कि आप उन्हें टक्कर, तो झूठ मूठ के दुश्मन बनेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, और क्योंकि मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ, मुझे लगता है हर कोई होता है, थोड़ा बहुत तो सभी होते हैं, मुझे लगता है मैं इन सब विषयों पर थोड़ी ज़्यादा हूँ, और बहुत ज़्यादा सोशल रहने में मुझे दिक्कत होती है, तो मैं ज़्यादा झेलती हूँ चीज़ों को। लोग कभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपके जीवन में क्या परेशानियाँ हैं, वो आपको जज करेंगे कि आपने उनकी किताब नहीं पढ़ी, आपने ये किताब नहीं पढ़ी, आपने वो किताब नहीं पढ़ी, आपने इसकी तारीफ कर दी, आपने इसकी तो इन चीज़ों से बहुत डील करना होता है, ठीक है। तो नेटवर्क बनाने में इन्हीं सब वजहों से मुश्किल भी आती है, तो एक ये चीज़ भी हो सकता है ये मेरे साथ ज़्यादा हो रहा हो, पर ये एक चीज़ होती है। तो अगर आप बुक ट्यूबिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन पहले से आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि एक टीम हो, आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तीसरा सवाल, इतने पैसे कहाँ से आते हैं? मेरे ख्याल से मैंने पहले सवाल में इसका जवाब दे दिया है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ज़्यादातर किताबें लोग मुझे भिजवा देते हैं, और मैं, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि किताबें मुझे मिल जाती हैं, मेरे कहने से मिल जाती हैं, मेरे मांगने पर दे दी जाती हैं, उपहार स्वरूप दी जाती हैं। पर इन सबके साथ एक सच ये भी है कि जो किताबें हैं, इन किताबों से आप किसी के फिनेंशियल कंडीशन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कभी नहीं। किताबें आपकी बौद्धिक खुराक है, मेरी आत्मा की खुराक है, मेरे दिमाग की खुराक है, लेकिन जीवन में और भी ज़रूरतें होती हैं जो सिर्फ इन किताबों से पूरी नहीं हो पाएंगी। और जब मेरे जैसा व्यक्ति हो, आपके जैसा भी शायद, जो किताबों से इतना प्रेम करता है, वो कभी भी इन किताबों की कोई कीमत नहीं लगा सकेगा। तो जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो एक उद्देश्य था कि मैं किताबों की दुनिया से जुड़ूंगी, जो मेरा प्रेम है, जो मेरा पैशन है, और दूसरा मैं कुछ अपनी जीविका भी अर्जित कर पाऊंगी यहाँ से। तो जो पहला उद्देश्य था वो तो सफल हो रहा है, और मैं लोगों से मतलब मिल रही हूँ, जुड़ रही हूँ, मुझे लोग जानते हैं, चाहते हैं कि मैं उनकी किताबें पढूं। और जो दूसरा है वो थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको ये लगता है कि आप बुक ट्यूबिंग स्टार्ट करके पैसे बहुत अर्न कर सकते हैं, तो एक लाइन में मैं कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको अपनी अर्निंग का मेन सोर्स कभी नहीं बना सकते। पार्ट टाइम में भी आपको बहुत ज़्यादा कमा कर नहीं देगा बुक ट्यूब चैनल, अनटिल अनलेस आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो। अगर आपको अच्छे अच्छे ऐप्स, बड़े बड़े ऐप्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हो, आपका पीआर इतना तगड़ा है, ठीक है, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, तो ठीक है, आप कर सकते हो, फिर भी ये फुल टाइम इनकम का सोर्स कभी नहीं बन सकता। आप अपना, मैं अपना ब्रेड एंड बटर भी अगर चाहूँ कि इस काम से निकाल लूँ, तो ये बहुत मुश्किल है। कई बार मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरा काइन मास्टर का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है, फिर मुझे लगता है कि यार यहाँ पे लोगो आ जाएगा, यहाँ जा भी आता है, अच्छा नहीं लगेगा। कभी पता चलता है माइक काम नहीं कर रहा है, पिछले दिनों पता चला कि जो जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें माइक काम नहीं करेगा, फिर पुराना फ़ोन निकालना पड़ा, चार्ज किया, कोशिश की, उस पर एक ऐप डाउनलोड किया, शुरू किया। कुछ दिनों पहले मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे थंबनेल बहुत अच्छे करने होंगे, अब वो कैसे करने हैं, उसके लिए एक ऐप है कैनवा, मैंने सोचा मैं खरीद लूँ, वो बहुत महंगा है। तो जो थोड़े बहुत पैसे मैं कभी लेती हूँ अपना वक्त देने के लिए, वो भी कम पड़ जाते हैं इन सब चीज़ों पे खर्च करने के लिए, क्योंकि आपको एक कैमरा सेटअप लगाना है। तो जब आप शुरू करें काम, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पहले से बैकअप रखें, आपके पास कुछ चीज़ें हों, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके ना चले कि मैं ना वैसे बनाऊँगा कि मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगी, तो ये मेन इनकम का सोर्स नहीं होगा। पार्ट टाइम आप रख सकते हैं, स्पॉन्सरशिप लेंगे तो शायद आपको फ़ायदा होगा, उसके लिए अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हाँ, तो ये हुई कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, तो मैं इस मामले में ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास, मैं किताबों से अमीर हूँ, बहुत अमीर हूँ, पर फिर वही बात कि किताबों के अलावा भी कुछ ज़रूरतें हैं जो मैं चाहती थी कि मैं इस चैनल के ज़रिए कर सकूँ, पर उसका वक्त मुश्किल हो रहा है। अब आता है एक सवाल कि मेरे मन की बात है जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मेरा वक्त चल रहा है, तो जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त मैं देने की कोशिश कर रही हूँ अपने काम को, अब ये कुछ ऐसा है कि मैं एक मिनट का भी वक्त अगर स्क्रोलिंग में बिताती हूँ तो मुझे गिल्ट होता है, एक घंटे तक गिल्ट होता है उस चीज़ को लेकर के कि मैंने क्यों एक मिनट का समय ना बिता दिया। घड़ी की सुई की नोक पे मैं चलती रहती हूँ पूरा दिन
कि ना मुझे समय बचाना है, मैं ऐसे समय को कैलकुलेट करती हूँ कि अभी 5 मिनट बचा है, अभी 5 मिनट तो रात के 1 घंटे बजा लूंगी, तो 1 घंटे अगर मैंने बचा लिए तो मैं इस किताब को इतना पढ़ लूंगी, इस तरह से करना पड़ता है। कभी भी मुझे नहीं लगता है, मुझे याद ही नहीं है कि आखिरी बार मैं कब अपना फोन लेकर बैठी थी और अपनी मर्जी से ऐसे इंजॉय करने के लिए स्क्रॉल किया था। कभी करती ही नहीं हूँ। मैं जब भी फोन उठाती हूँ, मैं अपने ही टॉपिक से संबंधित, कोई विषय से संबंधित कुछ रिसर्च कर रही होती, कुछ ढूंढ रही होती, किसी किताब के बारे में पढ़ रही होती, कुछ नया जानने की कोशिश कर रही होती। और इन दिनों जब मैं ये पा रही हूँ कि बुक ट्यूबिंग को चलाना मेरे लिए अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब वो वक्त है जब मुझे इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए कि मसाला चाय रुके नहीं, चलता रहे। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस चैनल की ज़रूरत है, और मुझे पता है कि मैं ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मैं आपको एक बहुत सुंदर दुनिया किताबों के ज़रिए दे सकती हूँ। तो ये चैनल चलता रहे, ये रुके नहीं। इसके लिए अब जो कोशिश मुझे करनी है वो है अर्निंग का एक रिसोर्स जनरेट करने की, ताकि मैं अपनी सारी ज़रूरतें चैनल की पूरी कर पाऊँ और आपके लिए वीडियोस मैं समय समय पर लाती रहूँ। दूसरा जो मुझे काम करना है अपने लिए, थोड़ा और वक्त निकालने के लिए, और जिसके लिए मैं अभी केवल से भी परमिशन नहीं ले सकती क्योंकि वो बहुत बहुत छोटी है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं कुछ नई स्किल्स सीख रही हूँ और मुझे ये जानकर बहुत खुशी भी है, ये भी मैं आपसे बताना चाहती थी आज, कि इंटरनेट पर अब बहुत सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध है, तो आप अपने स्किल को लगातार इन्हेंस कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब पॉलिश कर रही हूँ जो मेरे अंदर थी और मुझे लगता था कि वो पॉलिश हो जानी चाहिए, सो दैट कि मैं उनसे कुछ अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकूँ एटलीस्ट। तो वो कर रही हूँ। कुछ कोर्सेज मैंने लिए हैं, सीख रही हूँ। सीखना और पढ़ते रहना मुझे बहुत पसंद है, फिर चाहे वो किताबें हों, कोई कोर्स हो, और जब आपके पास ये सुविधा है कि आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो तो मैं वो पढ़ रही हूँ। अगर मैं इसे पैसे कमाना शुरू कर देती हूँ तो मैं आप सबसे भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया और कैसे किया है। और तो ये एक चीज़ अब मैं बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर पाई हूँ कि मुझे ज़रूरत है एक अर्निंग का सोर्स जनरेट करने की। और आपको भी ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप बुक ट्यूबिंग स्टार्ट कीजिए, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, इसको आपका ये पूरी तरह से इनकम का सोर्स नहीं बन सकता, लेकिन आपके पार्ट टाइम इनकम का सोर्स बन सकता है। आपको आपको डिजिटल मीडिया पे पहचान दिला सकता है। कल को अगर आप कोई अपना डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसके लिए भी आपको आपके चैनल के ज़रिए, या फिर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो उसके ज़रिए बहुत मदद मिल सकती है। और आने वाला समय ही डिजिटल मीडिया का है, तो एक अच्छा चुनाव है ये अगर आप इसे चुनते हो। लेकिन उसके पहले अपनी पूरी तैयारी कीजिएगा। तो बस इतना समझ लीजिए कि बहुत बहुत मेहनत कर रही हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा। और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी काम में कभी इतना वक्त दिया है और इतना पैशन दिया है, इतना समर्पण, इतना डेडिकेशन दिया है जो मैं अब दे रही हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगी यूट्यूब पर जिसमें मैं किताब के बारे में बात ही नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि वीडियो ऐसा हो जिसमें कुछ जाए। अभी भी उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे आपको बुक ट्यूबिंग चैनल स्टार्ट करने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या परेशानियाँ और मुश्किलें आती हैं, और कितना बड़ा काम है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये, और कितना वक्त ये ले लेता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर लाइफ से रिलेटेड आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब तक के लिए इतना है कि बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है, सो दैट मसाला चाय बना रहे, चलता रहे, और वक्त ने साथ दिया तो बहुत आगे जाए और बहुत सारे लोग जुड़े इससे। चलिए, चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, किताबें पढ़ते रहिएगा, और हाँ, खूब खुश रहिएगा। टाटा, बाय बाय।